नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बूंदी न्यूज चैनल। मैं तुषार जंगिड़। करते हैं खबरों की बात। बूंदी शहर में विचरण करने वाले आवारा व बेसहारा गोवंशों की उचित सार संभाल के लिए सन 2016 में तत्कालीन नगर परिषद आयुक्त द्वारा गौशाला निर्माण के लिए प्रस्तावित 11 बीघा 4 बिस्वा जमीन से वर्तमान सभापति मधु नुवाल के पति कांग्रेस नेता भगवान नुवाल के अवैध अतिक्रमण कब्जे को हटाए जाने एवं गौशाला की प्रस्तावित भूमि को गौशाला को आवंटित कर कब्जा संभलाए जाने की मांग को लेकर गोभक्तों द्वारा संतों की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किए गए प्रदर्शन एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतला दहन को गलत ठहराते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा द्वारा गोभक्तों व संतों को तथाकथित गोभक्त व संत बताने एवं लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाने पर गोपाल गो सेवा संस्थान से जुड़े गोभक्तों ने प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की है। गोभक्तों ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा अतिक्रमण का पक्ष लेकर शहर में अवैध अतिक्रमण को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। गोभक्तों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उन्हें तथाकथित गोभक्त कहने से पहले स्वयं प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा अपने गिरिभान में झांके। गोभक्तों ने कहा कि हरिमोहन शर्मा स्वयं अवैध निर्माण एवं अवैध अतिक्रमण में लिप्त हैं तथा गोभक्तों को तथाकथित बताने से जिले के समस्त गो सेवकों की भावनाओं को आघात लगा है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। गोभक्तों ने कहा कि हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है और ना ही हम किसी राजनीतिक गुट से संबंध रखते हैं। हम केवल और केवल गौ माता के उचित सार संभाल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गौ भक्तों व संतों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा द्वारा गौ भक्तों या संतों के लिए कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हमने जो धरना प्रदर्शन संत समाज की अगुवाई में ज्ञापन देकर करा तो उसके संदर्भ में प्रदेश राजस्थान के कांग्रेस उपाध्यक्ष भूतपूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा द्वारा दिया गया आज जो घोषणाओं के खिलाफ बयान दिया गया वो उसकी हम गौर निंदा करते हैं और आगे से उनको चेतावनी देते हैं कि ऐसा बयान जारी नहीं करें। हमारी गौसेवा में इसमें हमें धक्का लगा, हम गौसेवकों को बहुत तकलीफ हुई है और अगर उनमें खुद में इतना ही जरा सा भी अगर ये बचा हुआ है, ईमानदारी बची हुई है तो अपने जो काले कारनामे उन्होंने कर चुके हैं, जैसे उनके होटल निर्माण आदि, उसमें नगर परिषद द्वारा नाला निर्माण वगैरह, इन सबको जनता के सामने जैसे हम मीडिया के सामने उजागर कर रहे हैं वैसे सच्चाई का सामना करें और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी नहीं करें, अन्यथा हमें गौसेवकों को व संत समाज को साथ होकर आगे जाके उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। बूंदी के राजनेताओं द्वारा अतिक्रमण करना व अतिक्रमण करने वालों का बचाव करना कहीं ना कहीं बूंदी की जनता के साथ कुटाराघात है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि संत समाज व गोभक्तों ने जो आंदोलन छेड़ा है वह एकदम जायज है और अगर कहीं आपको लगता है कि यह जो अतिक्रमण 11 बीघा और कुछ बिस्वा सभापति द्वारा किया गया है यह सत्य है तो जनता के सामने लाए, अन्यथा अगर आप में जरा भी ईमानदारी बची हुई है, जनता के प्रति अगर आप समर्पित हो और आप अगर अतिक्रमण का बचाव नहीं कर रहे हो तो आगे होकर 11 बीघा और 4 बिस्वा जमीन को गौशाला के नाम आवंटित करवाने में सहयोग करें और आपके जो आज बयान आए हैं समाचार पत्रों में कि तथाकथित गोभक्त व तथाकथित संत समाज, ये आपकी आइए आपकी भावनाओं को दर्शाता है कि आपकी भावना जनता के प्रति, गोभक्तों के प्रति व संत समाज के प्रति कितनी दुर्व्यवहार पूर्वक है। इसके लिए आपको माफ़ी मांगना चाहिए। आप प्रदेश के दूसरे नंबर के नेता हैं, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी मांग राजस्थान में कोई भी मांग उठती है तो हम मुख्यमंत्री से ही मांगेंगे,
कहीं अन्याय होता है तो हम मुख्यमंत्री से ही कहेंगे, और विरोध भी होगा तो मुख्यमंत्री का ही विरोध करेंगे। इसलिए हमने मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि हमारा लोकतंत्र में अधिकार है, किया है, करेंगे और करते रहेंगे, जब तक कि गौशाला की भूमि अतिक्रमण मुक्त होकर गौशाला निर्माण ना हो जाए। यह आंदोलन चलता रहेगा और आगे जाकर उग्र होगा। इसलिए संयमता बरतते हुए गौभक्तों के साथ और संत समाज के साथ आप व्यवहार करें, अन्यथा आपको आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं लोकतंत्र गोपाल गौसेवा का संस्थान का कोषाध्यक्ष, हमारे साथियों ने जो भी बयान प्रकट किए उनका पुरजोर समर्थन करता हूँ, और साथ ही जो उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय द्वारा जो गोभक्तों के ऊपर और जो संतों के ऊपर जो आरोप लगाए वो सभी निराधार है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काफ़ी वरिष्ठम नेता है वो, बूंदी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ बड़े नेता भी रहे हैं। मैं गोपाल माहेश्वरी, सचिव गोपाल गौसेवा संस्थान। आज जो ये भूतपूर्व मंत्री हरिमोहन जी शर्मा द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, हमें तथाकथित गौसेवक बताया गया, इससे हमारी भावना काफ़ी आहत हुई है, और ये हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये तथाकथित बताने वाले नेता एक बार यहाँ पशु चिकित्सालय में आके देखें कि वास्तविकता क्या है। इनको तो फुर्सत ही नहीं, हम बार बार समस्याएं लेके जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। एक महीने से हमारे गौशाला को लेके आंदोलन चल रहा है, हर उपखंड कार्यालय पे ज्ञापन मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम दिए जा रहे हैं। आज हरिमोहन जी कह रहे हैं ये तो स्थानीय स्तर का मामला है, तो हरिमोहन जी आप आगे आकर इसको सुलझाओ मामले को। आप और हमें दोषी बता रहे हैं और अतिक्रमण करने वालों का बचाव कर रहे हैं, अतिक्रमण का बढ़ावा दे रहे हैं आप, तो इसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरा, इन्होंने जो कांग्रेसी नेता का हमारे पीछे कुछ बताया तो उसका भी ये नाम सार्वजनिक करें, प्रमाणित बात करें। हमने जो भी बात की है पूरे प्रमाणित किए, कागजों पे जो पे उन आरोप लगाए, तहसीलदार महोदय, उपखंड अधिकारी महोदय जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। इनके पास भी और जिसने भी गौशाला के अतिक्रमण कर रखा है ज़मीन पर, उनके पास किसी भी तरह से कोई दस्तावेज हो तो वो लाएँ, जनता के सामने बताएं, और नहीं हो तो अतिक्रमण मुक्त करके अपने कार्यकाल में शानदार गौशाला का निर्माण करें और ये गोवंश की समस्या का स्थायी समाधान करें। हम यही चाहते हैं, हमारा काम गौसेवा है और गौसेवा ही हमें करनी है। जय गौ माता की। मैं मधुसूदन यादव दावे का न्याय गाँव। हमने जो गौ माता के लिए जो ज़मीन मांगने के जो प्रयास किया उसका विरोध हरिमोहन जी शर्मा, जो शायद कांग्रेस के पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने उसका विरोध किया। तो मैं हरिमोहन जी से पूछना चाहता हूँ, आप अगर उनका हमारा विरोध कर रहे हो तो फिर सच्चाई क्या है? मतलब आप गौशाला की जो ज़मीन है, गौ माता की जो ज़मीन है, उसको दबाना चाहते हो? फिर आपकी आँखें कब खुलेगी? जब हर तहसील उपखंड से ज्ञापन में ज्ञापन आ रहे हैं, 250-300 व्यक्ति यहाँ पर संतों के साथ तुम्हारे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, तब कहाँ गए थे? हरिमोहन जी शर्मा को ये मेरी चेतावनी है कि अपनी लिमिट में रहें, वरना हमारी गौ माता के लिए और हमारे गौभक्तों के लिए आगे से अगर एक शब्द भी बोला तो बीच चौराहे पे उनका पुतला हम फूकेंगे। और हर जगह से गौभक्त आएंगे, और उसके बाद भी हमें लगा तो उनके घर के सामने जाकर उनका पुतला फूका जाएगा, फिर जो होगा जो देखा जाएगा। आक्रमण भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। गौभक्त बहुत क्रोधित हैं आपकी इस बात को लेकर। आज सभी गौभक्तों को शांत किया गया है कि पहले बातचीत से कोई बात होती है तो वो कर लेते हैं। अगर हम आगे से एक शब्द भी गौ माता और गौभक्तों के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करेंगे। जय गौ माता की। खबर बूंदी में ताज़ा तरीन खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। हमारे नेटवर्क पर आपको मिलेगी सबसे तेज न्यूज़।